Hello students, how are you? I hope you all are fine and home. Today we are going to discuss about conversion of units. Conversion of unit. Okay, what are the basic units? First we discuss about that. Okay, most commonly metric measures are length. Okay, we measure length. Use these units. These are the basic units. That are kilometer, meter, centimeter and millimeter. We are most commonly used in our daily life. Or not? These are the basic units of length. And basic units of weight is kilogram, gram and milligram. Okay? And capacity. Capacity, kiloliter, liter and milliliter. We mainly define this capacity or the unit as kiloliter, liter or litre. मिलीलीटर अगे इधर हमारा बेसिक यूनिट्स था कुछ मेजर करने के लेंथ इसका लेंथ कितना है तो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में मेनली हम यूज करते हैं किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सब ओके इनमें से और कुछ है स्टैंडर्ड यूनिट ओके मेनली ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ओके स्टैंडर्ड यूनिट ये तो बहुत सारे यूनिट है लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर क्या होता है लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर एंड वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम एंड कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि लीटर ओके लीटर अगेन दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन ऑफ यूनिट्स कुछ रिलेशन देखेंगे इन यूनिट तो बहुत सारे होते हैं कि नहीं हम जितना यूज करते हैं उससे भी ज्यादा यूनिट्स होते हैं कि लीटर किलोलीटर डेसीलीटर मिलीलीटर सेंटीलीटर ये बहुत सारे होते हैं वो उसके बीच में क्या रिलेशन है बहुत सारे यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स अब देखेंगे व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स ओके लुक एट दिस चार्ट ओके किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली ये पहले ये क्या प्रीपोजिशन की तरह लगे कुछ यूनिट क्या है ओके देखो किलोमीटर बेसिक यूनिट क्या देखो यूनिट वाला था क्या है मीटर मीटर के हिसाब से आगे जाएगा डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ओके किलो का मतलब होता है 1000 किलो का मतलब क्या है 1000 हेक्टो मीन्स 100 डेका मीन्स 10 दैट इज 10 यूनिट मीन्स तो 1 यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट डेसी मीन्स 1/10 डेसी मीन 1/10 सेंटी मीन्स 100 मिली मीन्स 1000 ओके जस्ट रिमेम्बर दिस ओके रिकॉल करो ये देखो ये क्या करो ये याद कर लो ओके इसका मतलब क्या है और उसके हिसाब से हम जाएंगे देखो किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर वही तो क्या होगा किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम किलोलीटर हेक्टोलीटर डेकालीटर लीटर डेसीलीटर सेंटीलीटर मिलीलीटर और देखो उसका किलोमीटर को हम के एम लिखेंगे शॉर्टकट में लिखेंगे क्या लिखेंगे शॉर्टकट के एम हेक्टोमीटर को एच एम डेकामीटर को डी ए एम ओके डी ए डेका देखो डी ए लगेगा डेकामीटर को डी एम सिर्फ जैसे हेक्टर को एच एम लगता डी एम ऐसे मत लिखना ओके डी एम हो जाएगा तो वो डेसीमीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा डेसीमीटर हो जाएगा इसलिए क्या लिखेंगे हम डेकामीटर डी ए एम सेंटीमीटर को सी एम मिलीमीटर को एम एम हेक्टोमीटर को एच एम देखो हेक्टोग्राम सॉरी एच जी हो जाएगा
हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ये सब देखो उसका शॉर्टकट क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ये होता है शॉर्टकट। अब देखिए इसके बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है किलो किलोमीटर एंड मीटर के बीच में। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना था, मीटर होगा 1000 मीटर। हम पढ़ेंगे 1 डेसीग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम, 1 डेसीलीटर इक्वल टू कितना हेक्टोलीटर, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना हेक्टोग्राम, उसके बीच में रिलेशन देखेंगे, उसके उसके बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को अब देखेंगे आगे। अगेन अगर हम क्या करना है, कन्वर्सन करना है, क्या करना है, यूनिट को कन्वर्सन करना है, अगर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे 10 का पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट से कन्वर्ट करना है हम उस टाइम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो अगर हम हमें कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर, क्या करना है देखो, मीटर याद रख लो बेटा, यूनिट प्लेस में क्या क्या होगा, मीटर और वेट का ग्राम एंड कैपेसिटी का लीटर, इसके हिसाब से ही हम चलेंगे। ओके, मीटर, ग्राम एंड लीटर, ये याद कर लो, पूरा का पूरा याद कर लो। उसके बाद क्या आता है देखो, किलो, हेक्टर, डेका, ये सब याद कर लो, थिंक मेंटली, मेंटली याद कर लो। ये देखो किलो, उसके बाद आता है हेक्टर, उसके बाद डेका, ओके, उसके बाद जो यूनिट है, यूनिट प्लेस में क्या क्या होगा होगा सब याद कर लो, उसके बाद डेसी, मिली, सेंटी सब याद कर लो। ओके, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, उससे आएगा 1 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर होगा, क्या करेंगे, किलोमीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, क्या है, किलोमीटर बड़ा है। तो क्या करेंगे हम, 10 का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का पावर कौन सा पावर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो किलोमीटर और सेंटीमीटर के अंदर कितना डिफरेंस है, देखो किलो में था 1, 2, 3, 4, 5, कितना प्लेस जंप करना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, राइट को हम 5 प्लेस जंप किए, तो क्या करेंगे 1 के पास 50 डाल देंगे। ओके, इतना सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, देखो 1 लाख सेंटीमीटर होगा। आगे देखो, बड़ा यूनिट को अगर छोटा यूनिट कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, राइट को जैसे जंप करते हैं, राइट को जंप करेंगे। ओके, अब डिटेल समझते हैं, ये चार्ट को बेटा अपने कॉपी में नोट कर रख लो, अब उसके बारे में और डिटेल समझेंगे। ओके, पहले नोट कर रख लो ये सब। माय डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस दिस अबाउट दिस यूनिट्स और नॉट, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब क्या होता है, ये प्रीफिक्स। ओके, देखो प्रीफिक्स की तरह काम करता है ये सब, है कि नहीं। देखो जब हम किलो से हेक्टो को कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटू 10 कर देंगे। ओके, 1 किलो इक्वल टू 10 हेक्टो। ओके, जब आगे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, इंटू 10 करके जाएंगे, मल्टीप्लाई 10। ओके, ये यूनिट का जाएंगे तो यूनिट से फिर डेसिमल जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करके जाएंगे। ओके, बड़ा यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 10 अगर इसे ये करेंगे इंटू 10, फिर इसे ये इंटू 10, अगर इससे ये करेंगे तो क्या होगा, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100 करेंगे तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 डेकाग्राम ऐसे आएगा। ओके, अगर छोटे से बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 डिवाइड करेंगे तो बीसी आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे डिवाइड 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, डेका आ जाएगा, डेका को 10 डिवाइड करेंगे हेक्टो आएगा, हेक्टो को 10 डिवाइड करेंगे तो हम किलोमीटर में कर पाएंगे। हम पढ़े थे क्या है हमारा, एसआई यूनिट,
एसआई यूनिट्स पढ़े थे हम। अगे लेंथ का क्या था? मीटर एंड वेट का किलोग्राम एंड कैपेसिटी का लीटर था। अगे ये तो हम पढ़े थे, इसको बेस करके कुछ रिलेशन हम यहां पर निकालेंगे। लेकिन यूनिट प्लेस में क्या क्या होगा? वो लेंथ का यूनिट प्लेस होगा मीटर होगा, ओके, एंड वेट का होगा ग्राम होगा, इधर ग्राम, एंड कैपेसिटी का लीटर होगा। इसके हिसाब से ही हम डिराइव करेंगे कि ये यहां से कितना मीटर। देखो इसको लेकर ही, इसको लेकर ही हम बनाते हैं डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इसको लेकर ही हम बनाते हैं। इस ये सब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। ओके, ये कन्वर्ट करने के लिए कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? देखो अगर हमें कन्वर्ट करना है वन हेक्टोग्राम इक्वल टू व्यास डेसीग्राम, हमें पूछा गया है वन हेक्टोग्राम इक्वल टू व्यास डेसीग्राम, एक हेक्टोग्राम इक्वल टू कितने डेसीग्राम होगा? क्या करेंगे? हेक्टो को पहले डेका में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई टेन करेंगे, फिर डेका को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंटू टेन करेंगे। यूनिट में क्या है? ग्राम है। डेका को डेका ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर टेन मल्टीप्लाई करेंगे, टेन टेन हंड्रेड, फिर देसी को कन्वर्ट करेंगे फिर टेन मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड, फिर हो गया कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें? टेन इंटू टेन इंटू टेन दैट इज थाउजेंड, थाउजेंड डेसीग्राम। ऐसे ही हम करेंगे, समझा कि नहीं? और छोटे से अगर बड़ा को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल वन सेंटीग्राम, सेंटीग्राम इक्वल टू व्यास डेकाग्राम, क्या करेंगे? डेका को आने के लिए कितना प्लेस? देखो डिवाइड बाय टेन, टेन टेन डिवाइड बाय टेन डिवाइडेड बाय टेन इंटू टेन मतलब डिवाइडेड बाय थाउजेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वन डिवाइडेड बाय थाउजेंड, कितना डिवाइड करना पड़ेगा? थाउजेंड। ओके इसको ये डिवाइड करेंगे वन बाय टेन होगा, फिर वन बाय टेन डिवाइड करेंगे वन बाय हंड्रेड हो जाएगा, वन बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन वन बाय थाउजेंड हो जाएगा। वन बाय थाउजेंड को हम कैसे लिखते थे ये तो तुम्हें पता है ना, ये हम पढ़े थे। क्या होगा इसको? वन थाउजेंड वन डिवाइडेड बाय थाउजेंड क्या होगा? पॉइंट देखो थाउजेंड है, अगर इसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो थ्री जीरो से तो पॉइंट के बाद थ्री जीरो नंबर थ्री डिजिट होना चाहिए। देखो वन था टू थ्री पॉइंट यहां पर लगेगा, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन डेकाग्राम, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर व्हाट वी डिस्कस टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी elaborate this, we explain this, in next class we'll discuss about this more clearly. That's all about today's